नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दुबई पहुंचने पर उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई एवं भारतीय प्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उत्तराखंडी टॉपी भेंट कर सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से साल में एक बार उत्तराखंड आने की अपील की। वहीं इस अवसर पर देवभूमि के प्रवासी नागरिकों द्वारा मंत्रमुग्ध करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां ही दी गई। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अवगत भी कराया। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। तो दुबई पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निवेशकों को लेने के लिए गए हैं, क्योंकि दिसंबर में जीआईएस समिट होने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथोरा जुड़ चुके हैं। अभय, इस बार दुबई गए हैं मुख्यमंत्री, पिछली बार इंग्लैंड गए थे तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश लेके आए थे। इस बार क्या संभावनाएं नजर आ रही है? तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभय को, लेकिन ये महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में होने वाला है और ऐसे में निवेशकों को लुभाने के लिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दुबई गए, इससे पहले उनका इंग्लैंड दौरा भी हो चुका है। अबूधाबी पहुंचे और सीएम धामी के उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई वो भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने प्रवासियों से साल में एक बार उत्तराखंड आने का आह्वान भी किया। इसके साथ उन्हें पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में भी अवगत कराया। इस दौरान प्रवासियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी, इस बार क्या संभावनाएं नजर आ रही है? पिछली बार की तुलना में क्या वो आंकड़ा अधिक हो सकता है निवेशकों के निवेश करने का? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दुबई का दौरा है, ये उत्साहजनक दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्म जोशी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दुबई में स्वागत हुआ है, प्रवासी लोगों से जिस प्रकार से उनका संवाद वहां पर हुआ है, ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में बड़ी सफलता इस समय दुबई दौरे से प्राप्त हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लंदन का जो पिछला दौरा रहा था, वो भी उत्साहजनक रहा था। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेशकों से उत्तराखंड आने की जो अपील कर रहे हैं, उसमें एमओयू लगातार जो बाहरी कंपनियां उनके साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं। अब तक ये कह सकते हैं कि 40,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दुबई दौरा है, इसमें भी कई हजारों करोड़ों के जो एमओयू होंगे वो यहाँ पर साइन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री की जो पहल है वो पहल भी सकारात्मक साबित होगी। जी जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में बोला भी कि 2014 से पहले किस तरीके से भारत की जो प्रवृत्ति थी वो दबी हुई नजर आती थी, अब हर कोई भारत की सराहना कर रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो संदेश अपने भाषण में देने का काम वहां पर किया है। जो प्रवासी लोगों से जो संवाद वहां पर हुआ है, उनसे राज्य में आने की अपील की गई है कि वो कम से कम साल में एक बार उत्तराखंड में अवश्य आए, अपने घर यहाँ पर आए, जो राज्य की जो संस्कृति और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जो विकास के जो आयाम है, वो आयाम स्थापित करने के लिए जो वैश्विक निवेश सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, उसमें सभी लोगों को अपना यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सहयोग करना होगा, ताकि उत्तराखंड राज्य ज्यादा से ज्यादा सहयोग की भूमिका यहाँ पर अदा कर सके। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए वो जो सरकार की नीति है उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, रैली भी होने वाली है दुबई में, उनकी क्या वक्त है रैली का और क्या लगता है कितनी संख्या में लोग आएंगे?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में जो रोड शो होगा, उस रोड शो के माध्यम से एक निवेशकों को राज्य में निवेश के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आने का निमंत्रण यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि राज्य में विकास के काम यहाँ पर हो सके। सरकार की कोशिश यही है कि जो लक्ष्य इस समय चुना गया, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो निवेशकों के साथ बातचीत होगी, उसमें उस लक्ष्य के तहत एमओयू साइन किए जाएंगे, ताकि विभिन्न सेक्टरों में राज्य सरकार यहाँ पर काम कर सके। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य में आज बड़ी सफलताएं मिल सकती है कि जो दुबई में रोड शो होगा, उस रोड शो के माध्यम से विकास के जो काम होंगे उन कामों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, अभी एक तो निवेशकों को लुभाने के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, उसके बाद से देखिए उनका ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड की संस्कृति को वो विदेश तक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य की जो पौराणिक संस्कृति है, उस संस्कृति को सुरक्षित करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय कर रहे हैं। लगातार सरकार के जो प्रयास है, प्रयास यही है कि राज्य में विकास के काम भी हो सके, और कोशिश सबकी यही है कि जो इस समय विकास को लेकर जो सरकार की जो स्थिति है, उस स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके। और प्रवासी जो उत्तराखंडी है, उनसे भी यही मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि कम से कम राज्य में जो लोग उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं, वो अगर राज्य में आते हैं तो राज्य में विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी, आर्थिक भी मजबूत होगी, राज्य के जो संसाधन है उन संसाधनों को आगे बढ़ाने का ही काम यहाँ पर किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और इस बीच अहम जानकारी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिया है हिस्सा। बैठक में चार राज्यों और समस्त केंद्रीय मंत्रालय हुए हैं शामिल। राज्य में 51 सीमांत ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान यहां पर रखा गया है। 23 अक्टूबर तक भारत सरकार को भेजा जाएगा ITBP एवं आर्मी द्वारा लोकल प्रोक्योरमेंट का अनुरोध यहां पे किया गया है। तो बता दें बैठकों में चार राज्यों और समस्त केंद्रीय मंत्रालय शामिल हुए हैं। राज्य के 51 सीमांत ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान यहां पे रखा जाएगा। ITBP और आर्मी द्वारा जो लोकल प्रोक्योरमेंट का अनुरोध है वो भी किया जाएगा। 23 अक्टूबर को भारत सरकार को ये भेजा जाएगा। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा बैठक होने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय राज्य के जो सीमांत जो क्षेत्र हैं जिन्हें वाइब्रेंट विलेज के नाम से इस समय जानने का काम किया जा रहा है, उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है। कल केंद्रीय जो अपर सचिव गए हैं उनकी तरफ से बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसमें राज्य के अपर मुख्य सचिव जो गृह है राधा तोड़ी, उनकी तरफ से प्रतिभाग यहाँ पर किया गया था। सरकार की कोशिश है कि इस समय राज्य में जो सीमांत जो क्षेत्र है उनमें किस प्रकार से विकास के काम यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, उनमें जो जरूरी जो संसाधन वहाँ पे विकास को लेकर है उनमें किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उसको लेकर पूरी बातचीत यहाँ पर की गई है। और इस समय ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, खासतौर पर चमोली जनपद के जो सीमावर्ती गाँव और पिथौरागढ़ जनपद के जो सीमावर्ती गाँव है, उनको कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। और राज्य सरकार की तरफ से कुछ मांग यहाँ पर की गई है, कुछ रियायतें देने के लिए कहा गया है, ताकि राज्य में विकास की योजनाएं अमले जमा पहन सके और वहाँ पर जो विकास के काम होने सीमावर्ती क्षेत्रों में वो तेज गति से किए जा सके। जी और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं राधा रतूड़ी जो है वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगी। जी बिल्कुल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्चुअल रूप से इस बैठक में शिरकत की है, और इस बैठक के माध्यम से ये कह सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर केंद्र से मांग की है कि राज्य में जो रियायतें हैं उन रियायतों को देने का काम किया जाए, ताकि जो विकास के काम है वो तेज गति से यहाँ पर हो सके। और इस समय ये कह सकते हैं कि जो विकास की जो योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही है, उन संचालित योजनाओं के माध्यम से विकास के जो काम है उनको करने का काम राज्य सरकार कर रही है। जैसे सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास के लिए जो मानक हैं उन मानकों में शिथिलता बरतने के लिए कहा गया है। जी कुल मिलाकर इस बैठक का मेन फोकस है जो ग्रामीणों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए, और जो पलायन हो रहा है खासकर अभी उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पलायन इस समय हो रहा है गाँव में, उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। सकारात्मक आश्वासन भी क्या दिया गया है यहाँ पे?
बिल्कुल सकारात्मक आसन के तौर पर ये कह सकते हैं कि इस समय जो केंद्र सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो परियोजनाएं राज्य में संचालित हो रही है उन परियोजनाओं के माध्यम से जो विकास के काम होंगे उन विकास के कामों को तेज गति से करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश सरकार की यही रहनी चाहिए कि जो सीमावर्ती जो गाँव है उन गाँव में विकास के आयाम यहाँ पर स्थापित हो सके, खासतौर पर जो निर्माण के क्षेत्र में वहाँ पर काम होने उन कामों को तेज गति से किया जा सके। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 23 अक्टूबर तक भारत सरकार को भेजा जाएगा यह प्रस्ताव और फिर देखना होगा कि क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाता है। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि आगमन पर समुद्र तल से 5338 फीट के आश्चर्यजनक ऊंचाई पर एक अनोखा और ऐतिहासिक कार्यक्रम संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित किया गया। उत्तराखंड के छौलिया और झोटा लोक नृत्यकों की ढोल दमाऊ लोक वाद्यों के साथ प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहला कार्यक्रम था जिसमें पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती अंचलों से छौलिया एवं झोटा नृत्यकों दल के लगभग 3000 लोक कलाकारों द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं लोक गीतों के माध्यम से विश्व का ध्यान उत्तराखंड की ऐतिहासिक एवं समृद्धशाली लोक सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्षित किया गया। हिमालय के हृदय सीमांत में एक असाधारण एवं अभूतपूर्व घटना दुनिया को देखने को मिली। और उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली है करवट। प्रदेश में 9 जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी, बता दें मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बीते दिन किस तरीके से भारी बर्फबारी हुई है, लोगों का जीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो रहा है, पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है और कहा है कि जरूरत न पड़ने पर घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी भारी बर्फबारी हुई है, जहां की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ कहा है कि कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो येलो अलर्ट के साथ भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से करवट बदली है। और अग्निशमन सेवाओं में सुधार को लेकर बैठक मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु ने बैठक ली है। फुल प्रूफ योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आवासीय भवनों को फायर स्टेशन के पास बनाने के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू कोर्सेज पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। फायर स्टेशनों को अपग्रेड किए जाने के लिए भी चर्चा हुई है। फुल प्रूफ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं अपर सचिव की तरफ से। बता दें कि आवासीय भवनों को फायर स्टेशन के पास बनाने के भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ निर्देशित इसलिए भी किया गया है ताकि रेस्क्यू कोर्सेज जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो बैठक में कई चीज़ों को लेकर निर्देशित किए गए हैं। फायर स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए भी चर्चा यहाँ पे हुई है। और इसी के साथ बता दें कि अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु मौजूद थी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। और चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने रचा है नया इतिहास। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भक्तों की भारी भीड़ के साथ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंची है। तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और इसी के साथ इस बार जो है सारे रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने तोड़े के भारी तादाद में भक्तजन पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए। भक्तों की भारी भीड़ के साथ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुकी है।
देहरादून में वरिष्ठ आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्हें चंपायती राज विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, आबकारी सिंचाई, लघु सिंचाई, धर्मस्व संस्कृति विभाग सचिव, मानवाधिकारी के साथ पंचायती राज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में 167 सुपरवाइजर का चयन पूरा हो गया है। इनमें से 150 आंगनवाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को का चयन किया गया है। इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन किए गए थे। इसमें बता दें कि इसके बाद पारदर्शिता के साथ चयन पूरी कर ली गई है। सुपरवाइजरों की कुल 172 पद के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर 5 पदों को छोड़ शेष के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी। उत्तराखंड में होमगार्ड स्वयं सेवकों की तकनीकी को बढ़ाया गया है। बता दें कि जिसके तहत उत्तराखंड होमगार्ड मुख्यालय में सोमवार को मुख्य अपर सचिव राधा रतूड़ी ने 40 महिला स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण पत्र बांटे हैं। होमगार्ड को तकनीकी रूप से दक्ष एवं सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा राज्य स्थापना के उपरांत पहली बार देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी और नैनीताल में 335 महिलाओं को SLR से प्रशिक्षण और फायरिंग अभ्यास प्रदान किया गया है। इस बारे में मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि होमगार्ड विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नैनीताल में खेड़ना में एक वाहन काकड़ी घाट के पास अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। इस दौरान चालक की मौत हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद चालक का शव बरामद किया गया। वहीं लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जहां एक तरफ नैनीताल में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कालाढूंगी में भी डेंगू ने दस्तक दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डेंगू के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। अब इस पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कन्याल का कहना है कि अभी तक कुल 20 मरीज डेंगू के कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र में मिले हैं, जिनका इलाज कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीज सही होकर भी जा चुके हैं। डॉक्टर कन्याल ने जनता से अपील की है कि डेंगू से बचने के लिए लोग अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और गंदा पानी कच्चा ना होने दें। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी ग्राम ब्रह्मपुरी में किराए पर रह रही 21 वर्षीय सलोनी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें कि फांसी के फंदे पर लड़की को झूलता देख आसपास के लोगों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला ये है कि 8 बजे करीब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक युवती है जो कि ब्रह्मपुरी में रहने वाली है और यहाँ पे किराए पे रहती थी, जो मूल निवासी रोजगार की है। उनका नाम है सलोनी और ये 21 वर्षीय महिला है। उनके पिता हैं श्री अजय, जिन्होंने ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पे रहती थी यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली।
ये सुबह से इनका दरवाजा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आसपास गतिविधि नहीं देखी तो पाई और देखा तो लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लेकिन उसके बाद पुलिस को करीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई करती है। परिजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यही पता चला है लड़की यहाँ पे किराए पे रहती थी और कहीं काम करती थी। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर यह है कि परिजन के साथ नहीं रहती। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई लड़की के साथ दूसरी रहती थी क्योंकि 4 बजे से यहाँ से चली। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है, साथ ही निचले इलाकों में कल रात से बारिश होने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है और वहीं पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में भी भारी गिरावट महसूस की गई है। साथ ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री सीजन की पहली बर्फबारी का लुप्त उठा रही है। जय गंगा मैया। आज मौसम ने करवट बदली और नवरात्रि के दूसरे दिवस पर गंगोत्री में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहां पर लगभग आधा से एक फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।